बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अभी हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2, यानी चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज, क्लास 2 मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसने कहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें कहा यह गया है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है और ब्लैंक को फिल करना है। जैसे 25 प्लस 0 लिखा है, 25 में 0 को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? 0 को किसी भी नंबर में प्लस करने से आंसर वही नंबर आता है जिसमें हम 0 को प्लस कर रहे होते हैं। तो 25 में 0 को प्लस करेंगे आंसर 25 ही आएगा, यानी सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड जो हमारे पास इसका एमसीक्यू है वो है 100 प्लस 10। 100 में 10 प्लस करने से 110 आंसर आता है, जो कि डी ऑप्शन है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1 एंड 0। थर्ड वाला जो है हमारे पास एमसीक्यू वो है व्हेन एडिंग 3-डिजिट नंबर्स फर्स्ट ऐड द डैश। किसको हम ऐड करते हैं? सबसे पहले वंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, फिर टेंस वाले को, फिर हंड्रेड्स वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे वंस, ऐड द वंस। नेक्स्ट है व्हेन जीरो इज एडिड टू एनी नंबर द रिजल्ट इज द डैश। ये मैं पहले ही एमसीक्यू में आपको बता चुका हूँ कि जब हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट वही नंबर आ रहा होता है, तो नंबर इटसेल्फ ग्रेटर नंबर स्मेल, तो नंबर इटसेल्फ आएगा यहाँ पे, यानी बी ऑप्शन, यहाँ पे हमने लिखना है नंबर, नंबर इटसेल्फ जी। इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू। फिफ्थ एमसीक्यू में हमें ये कहा गया है कि व्हेन एडिंग 3-डिजिट नंबर्स फाइनली ऐड द, 3-डिजिट नंबर में हम 100th प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम हंड्रेड्स, HUNDREDS। इस तरह हमारे एमसीक्यू जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब जो भी ऑपरेशन होगा गिवन उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व करना है। जैसा पहले है ये प्लस का क्वेश्चन है, 9 प्लस 6 होता है 15। 15 में से ये मैं राइट कर देता हूँ 15, 5 यहाँ पे राइट करेंगे इनके, इन नंबर्स के नीचे, और जो 1 है वो टेंथ प्लेस पे चला जाएगा। अब टेंथ प्लेस पे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे नीचे, तो ये 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, तो 15 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8 प्लस 6 14 होता है, इसका 4 यहाँ लिखेंगे और 1 इधर कैरी आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 9 प्लस 9 18, 18 का 8 इधर आ गया और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। 5 प्लस 1 क्या होता है? 6, तो ये 68 आया हमारे पास इसका आंसर। 8 प्लस 2 10 होता है, 1 कैरी यहाँ पे आया। 7 प्लस 1 8, तो ये यहाँ पे 8 आ गया, 80 इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 7 प्लस 5 12, 1 कैरी यहाँ पे आएगा, और 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। इसके बाद है 9 प्लस 1 10, 1 कैरी इधर आ गया, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9। इसके बाद है बेटे 6 प्लस 4 10, 0 इधर आ गया, 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 आ जाएगा। इसके बाद है 8 प्लस 3 11, 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 होता है 9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, ये 5 भी वैसे ही आ गया और 2 भी वैसे ही। 6 प्लस 3 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 भी ऐसे ही आएगा और 3 भी, क्योंकि इनके नीचे कोई नंबर्स ही नहीं है। 9 में 0 प्लस किया 9 आ गया, 3 में 0 प्लस किया 3 आ गया, और 6 भी वैसे ही आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है जी। नेक्स्ट 7 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 9, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, और ये 8 ऐसे ही नीचे राइट कर देंगे। 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अभी तक कैरी कोई नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में। 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, और 9 में 0 प्लस करें 9, 6 में 2 प्लस करें तो आ जाएगा 8।
एट में सेवन प्लस करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा कैरी वाले क्वेश्चंस, फिर अब ये कैरी वाले क्वेश्चंस हैं। तो एट प्लस सेवन 15, इसका 5 यहाँ लिखा और 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, ये 4 एज इट इज़ नीचे राइट कर देंगे हम। 7 प्लस 4 11 होता है, इसका 1 इधर लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 9 प्लस 1 होता है 10, 10 का 0 इधर और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस 6 13, 13 का 3 इधर और 1 यहाँ पे कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 यहाँ पे और 1 ही इधर आ जाएगा। 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 4। अच्छा जी, 9 प्लस 8 17 होता है, 17 का 7 इधर और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 का 7 इधर और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अच्छा जी, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। नेक्स्ट है बेटे 8 प्लस 3 11, इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13 का 3 इधर और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 आ जाएगा 9। 8 प्लस 5 13, इसका 3 यहाँ राइट किया और 1 आ जाएगा कैरी। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 1 15, 5 इधर और 1 यहाँ पे कैरी। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ये है हमारे पास 6 प्लस 5 11, 1 इधर आया और 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी। 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 8 17, 7 इधर और 1 यहाँ पे आ गया कैरी। 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे कैरी। 5 प्लस 3 8 आया, 8 प्लस 1 आ जाएगा 9, तो 9 हमने लिख देना है यहाँ पे। 9 प्लस 7 16, 16 का 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 इधर आएगा और 1 यहाँ पे कैरी। 7 प्लस 1 आता है 8, 8 प्लस 1 आ जाएगा 9। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 6 प्लस 4 10, 10 में 0 राइट करेंगे और 1 यहाँ पे कैरी। अच्छा जी, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 19, 9 इधर आया और 1 आ जाएगा यहाँ पे। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 आ जाएगा 9। 7 प्लस 9 16, 6 इधर आया और 1 यहाँ पे आ गया कैरी। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12, 2 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ गया कैरी। 6 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 आ जाएगा 8, 8 प्लस 7 आ जाएगा 15, 15 का 5 इधर आ गया और 1 यहाँ पे आ गया कैरी। 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16, 16 का 6 इधर आ गया और 1 यहाँ पे आ गया कैरी। 8 प्लस 1 आ जाएगा 9। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये इनकी वैल्यू दी गई है ₹384, इस टॉय की प्राइस है, इस कार टॉय की प्राइस 245 है, बॉल की 75 है, 196 है इस बाइसिकल की प्राइस। लुक एंड राइट द प्राइस ऑफ टॉयज फ्रॉम द गिवन पिक्चर। टॉयज़ की पिक्चर, टॉयज़ की जो प्राइस बतानी है इस पिक्चर्स में से, इनमें से। अहमद बायज़ अ कार एंड बॉल फ्रॉम टॉय शॉप, हाउ मच अमाउंट डज अहमद पे टू द शॉपकीपर। उसने क्या क्या ख़रीदा, उसने क्या एक ख़रीदी कार और कार के साथ एक बॉल ख़रीदा, ठीक है। अब देखें, ये जो कार है इसकी प्राइस और ये जो बॉल है ये प्राइस, इन दोनों को हमने ऐड करना है, फिर हमने बता देना है कि अहमद ने शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं। तो पहले कार की प्राइस है, तो कार की प्राइस है 245, इसको हम लिखेंगे 245, ठीक है जी। इसी तरह फिर बॉल की प्राइस है 75, तो 75 इस तरह लिखा जाएगा 75। 5 में 5 प्लस करें तो 0 आया, यानी 10, 10 का 0 राइट करेंगे, 1 इधर कैरी आ जाएगा। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 होता है 12, 12 का 2 इधर आया और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3, तो ये आ जाएगा 320, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि आमना बायज अ टेडी बेयर एंड अ बॉल फ्रॉम द टॉय शॉप, हाउ मच अमाउंट डज शी पे टू द शॉपकीपर। अब उसने क्या ख़रीदा, आमना बेटी ने एक टेडी बेयर ख़रीदा और दूसरा उसने बॉल खरीदी, ठीक है। टेडी बेयर और बॉल की जो प्राइसेस हैं उनको हमने ऐड करना है। टेडी बेयर है ₹384 का, यहाँ पे हम राइट करेंगे 384,
ठीक है। बॉल की प्राइस जो है वो ये ऊपर भी लिखी है विच इज़ 75, तो यहाँ पे 75 रुपीज़ लिख देते हैं यानी 75 रुपए। अब हमने इनको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करेंगे, पहले वंस प्लेस वाले नंबर्स को ऐड करना है। 5+4 होता है 9, 7+8 15, 1 कैरी, 3+1 क्या होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 459 रुपीज़ जो है वो आमना पे करेगी शॉपकीपर को। इरफान बायज़ अ बाइसिकल, बाइसिकल खरीदा एंड अ कार, उसने बाइसिकल और कार खरीदे, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं बाइसिकल की प्राइस क्या है। 196 ऊपर देख के यहाँ पे हमने नीचे लिख देनी प्राइस इसकी 196। कार की प्राइस जो है ये अभी इधर 245 है, तो मैं लिख देता हूँ 245। इन दोनों को ऐड कर देंगे, अब 6+5 होता है 11, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी। 9+4 13+1 14 का 4 और 1 यहाँ पे कैरी। 2+1 3 3+1 क्या आएगा 4। 441 जो है इतने पैसे इरफान जो है वो पे करेगा शॉपकीपर को, या वो उसने स्पेंड किए हैं इतने। हाउ मच अमाउंट डज इरफान स्पेंड, इरफान जो है वो इतने स्पेंड करेगा 441। इसके बाद है लास्ट इसका क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का, कि इरम वांट्स टू बाय अ टेडी बेयर। अब टेडी बेयर की प्राइस एंड अ बाइसिकल, और एक बाइसिकल खरीदना चाह रही है इरम फ्रॉम द टॉय शॉप। हाउ मच अमाउंट डज इरम नीड टू बाय बोथ द टॉयज, उसको कितने पैसे चाहिए ये दोनों चीज़ें खरीदने के लिए। तो टेडी बेयर की प्राइस देखे कितनी है हमारे पास, 384। अब पेज मुझे नीचे इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि ये देखें ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी टेडी बेयर की प्राइस लिखी हुई है। बाइसिकल की प्राइस देखें ये क्वेश्चन नंबर 5 में लिखी 196, ये इधर से देख के मैं लिख लेता हूँ 196 रुपीज़। तो इनको ऐड कर देते, अब हम 6+4 10 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 9+8 17, 17+1 18, 18 का 8 इधर और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 3+1 4, 4+1 आ जाएगा 5। 580 रुपीज़ जो है वो इरम जो है वो क्या करेगी, उसको चाहिए होंगे ख़रीदने के लिए ये टॉयस। कौन कौन से टॉयस, टेडी बेयर एंड बाइसिकल। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।